सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी अज सुबह 8 बजे लाहौर तो निकलिया सी गुरुद्वारा डेरा साहब। सब तो पहले असी पंजवें पातशाही स्थान ते अरदास कीती। आज दे स्थान डेरा साहब लाहौर तो दड़के सच पाछा, आज दे स्थान श्री दरबार साहब सचखंड श्री अमृतसर साहब किस च पाछा यात्रा वास्ते जा रहे हैं। चढ़ते ते लेंदे पंजाब दी संगता ऐसी तरह से पाचा आपस विच प्यार इत्तेफाक बख्शो जो के एक दूसरे नु मिल सकन से पाचा अमृतसर आ रहे लाहौर आ सकन ते लाहौर वाले से पाचा अमृतसर आज के दर्शन दारे ते आपस च एकता प्यार वध सक से पाचा मेहर करी। उस तो बाद जी मैं अपना गया बादशाही मस्जिद। ते फिर हजूरी बाग तो मैं 2 फुल तोड़े जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह ने आप बनवाया सी बाग, ते उत्थों दी जिहड़ी बारादरी है उहदे सामने 2 गुलाब दे फुल चुक के मैं अपनी पग दे अंदर संभाल के रखे जी। इस टाइम असीं आए हाँ बादशाही मस्जिद तो पिछे हजूरी बाग। ये बाग जो महाराजा रणजीत सिंह ने आप बनवाया सी, ते जिहड़ी बारादरी पिछे हैगी है जी, ये जदों रणजीत सिंह हरन कोहिनूर मिलिया सी उहदी खुशी विच, ते इत्थों जी मैं 2 फुल लैके जा रहा हजूरी बाग चों, ते वापसी ते मैं उत्थों ही सरोवर चों पानी लैके आवांगा जिहड़ा इसी बूटे नूं दित्ता जाएगा। ये वो जगह हैगी है जी जिथे महाराज शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह इतने बैठते होंगे सी, ते ये जगह नाल उन्होंने इन्ना प्यार सी कि जदों पूरे होने लगे है तो उन्होंने कहा है कि मेरी मंजी तुसी एक दिन ली इत्थे डाओ। फिर जी मैं लेंदे पंजाब तो कोई 11 बजे चढ़दे पंजाब पहुँचे हाँ जी। हूँ मैं इतों लेंदे पंजाब वालों अपनी इमीग्रेशन की क्लीयरेंस हो गई है जी, ते कस्टम्स दी हुण मैं क्रॉस करांगा जिहड़ी लाइन हैगी है। इधर पासे तुहानू पाकिस्तान दा झंडा दिख रहा है गेट ते, उहदे पिछे इंडिया हैगा जी, इत्थों मैं क्रॉस करना जी हुण, ते मैं हुण इधर जा रहा जी। सामने मेरे पिछले पासे लहिंदा पंजाब है ते इधरले पासे चढ़दा पंजाब, हुण असीं उधर नूं जा रहे हां जी। ये जी हुण मैं क्रॉस कर रहा जी बॉर्डर, ये विचकारली जिहड़ी लाइन हैगी है ये जी हुण मैं क्रॉस कर रहा जी। इत्थे ये जी लाइन है जी इंडिया ते पाकिस्तान नूं इत्थे सेपरेट करती है, ये वो लाइन है जी। इत्थे जी हुण मैं इंडिया एंटर कर चुका हाँ जी, ते तुसी मेरे पिछले पासे देख सकते हो ये जिहड़ा गेट हैगा पिछे, इत्थों मैं आया सी, ये पिछे पाकिस्तान है। ये विचकार जिहड़ी लाइन वाइट दिख रही है तुहानू जी, ये डिवाइडिंग लाइन हैगी है चढ़दे ते लहिंदे पंजाब विच हाँ जी। असी उत्थों सीधा अटारी तो सीधा इतने दरबार साहब अमृतसर जिते हर एक सिख का दिल धड़कता है ना जिन्हों कहते हैं इतने आए हैं जी। वो जिहड़े फुल हैगे सी इतने आके मैं दरबार साहब प्रवान किए, उत्थों जी हूँ मैं अपना ये जल लैके जा रहा सरोवर का। ये जी जिहड़े वो पौधे तो मैं फुल तोड़े से हजूरी बाग में आज दोपहर नू वापस जाके लाहौर 4 बजे मैं उन्होंने जाके उसी बूटे नू ये दरबार साहब के सरोवर का पानी देवांगा, ताकि लाहौरिया की अमृतसरिया की आपस दोस्ती रवे, प्यार रवे, मुहब्बत रवे। 1947 तो पहले रोज़ आना जाना लग्या रहिंदा सी, लेकिन 75 साल हो गए है जी। ये 2 जुड़वां भैणां जिहड़ियां दिलों इन्नियां नेड़े है
ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜੋਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਜੀ ਸੁਬਹਾ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ। ਆਸਾਨ ਕਰੋ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਹਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਬਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ।